कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन आबिद कागजी व प्रभारी द्वारा विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में अल्पसंख्यक विभाग की ओर से चादर पेश की गई। इस मौके पर ख्वाजा के दरबार में शांति व सद्भाव के साथ ही आपसी भाईचारे को लेकर दुआ की गई। सभी के अनुसार अल्पसंख्यक विभाग राजस्थान की ओर से पहली बार यह चादर ख्वाजा के दर पर पेश की गई है और यह सिलसिला अब लगातार जारी रहेगा। उन्होंने इस मौके पर बताया कि आगामी 1 मार्च को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की चादर पेश होगी, जहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष सहित तमाम जनप्रतिनिधि व संगठन पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश के साथ देश में सुख शांति भवन चैन की दुआ मांगी। आज राजस्थान माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन के नाते आज पहली बार दरगाह गरीब नवाज के और उसके मुबारक मौके पर चादर पेश की गई है, और चादर पेश करने के साथ साथ दूसरा मकसद ये है कि परसों 1 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी की चादर पेश होनी है। डिपार्टमेंट ने चेयरमैन साहब के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नदीम जावेद ने, माननीय अशोक गहलोत साहब ने, सचिन पायलट साहब ने मुझे जिम्मेदारी के लिए यह भेजा है, क्योंकि परसों के रोज 1 तारीख है। माननीय अशोक गहलोत साहब, सचिन पायलट साहब और राजस्थान के कैबिनेट के कई मंत्री, कई विधायक, कई एमएलए, कई एमपी परसों चादर पेश करने आ रहे हैं। उसकी तैयारियों का जायजा भी था, किस तरह से कहां कहां से लोग आएंगे, कैसे क्या चादर पेश होगी, किस तरह से इंतजाम होंगे, उस सिलसिले में यहां मौजूद आए हम आए। और दूसरी बात, यहां पर जितने भी कार्यकर्ता है, कांग्रेस के कार्यकर्ता है या सामाजिक संगठन है, उन सबसे मिल बैठ कर बातचीत करना है और सबको चादर में शरीक होने का न्योता देना है। क्या संदेश देना चाहेंगे ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह से? ख्वाजा गरीब नवाज हिंदी के बादशाह हैं, यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के मानने वाले लोग यहाँ पर आते हैं। जिस तरह से हमने देखा पूरे हिंदुस्तान में कुछ पॉलिटिकल पार्टियाँ माहौल खराब करना चाहती हैं, ये अजमेर शरीफ, पुष्कर शरीफ ऐसी जगह है जहाँ हिंदू मुस्लिम का आपस में मेलजोल होता है, तालमेल बैठता है, यहाँ पर सांप्रदायिक स्वार्थ की मिसाल देखने को मिलती है। तो यहाँ से हम ये संदेश देना चाहेंगे कि पूरे मुल्क में अमन शांति बने रहे, भाईचारा बनाए, लोग एक दूसरे से प्यार करें, मोहब्बत करें, एक दूसरे के तीज त्यौहार में शामिल हों, और जो पुष्कर का संदेश है, अजमेर गरीब नवाज का संदेश है, पूरे हिंदुस्तान में आम हो।